पाकिस्तान हाय हाय 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 पाकिस्तान हाय हाय। राज का प्रोटेस्ट जो एक एसपीओ उसकी धर्मपत्नी और उसकी बेटी उन तीनों को मार दिया गया। 5 किलो आरडीएस पकड़ी गई। 2 ड्रोन ने हमला करा टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर। ये पहली घटना है इस तरह की भारतवर्ष के इतिहास के अंदर की पहली घटना जो जम्मू कश्मीर के अंदर घटी है। और उसके लिए एक लेज़र व्यवस्था जो है, अभी रात्रि में श्रीमान राजनाथ सिंह जी से भी इस विषय के अंदर बातचीत हुई कि लेज़र व्यवस्था के माध्यम से आने वाली व्यवस्था को समाप्त करने का हम प्रयास करें। कुछ लेज़र लगे हुए हैं लेकिन क्योंकि ये एक ग्रस्त क्षेत्र के अंदर रेजिडेंट क्षेत्र के अंदर की सारी व्यवस्था थी। मैं मांग करना चाहता हूं जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्रयास करना चाहता है उनसे बातचीत करके उनको ये शर्म नहीं आती कि वो जो परिवार आंसू बहा रहा है, वो जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, वो एसपीओ का टोटल परिवार जिनमें से उनका एक भाई सेना के अंदर भर्ती है, और क्या कश्मीर के नेताओं को इस सारे विषय पर शर्म नहीं आ रही है और फिर पाकिस्तान का राग अड़पने का प्रयास करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना, ड्रोन वाली घटना एक बहुत बड़ी घटना है, इसलिए वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो एक ही बार हल जो है ये पाकिस्तान सुधरना वाला नहीं है। सीधा तिरंगा लाहौर में जा कर के लहराओ, ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। ये पाकिस्तान को डंडा चाहिए। वो डंडा 71 के अंदर लगा था, 65 के अंदर लगा था, अब वही एक डंडा यहाँ चाहिए कि युद्ध। जब तक ये युद्ध नहीं होगा और जब तक उन लोगों पर युद्ध नहीं होगा जो अंदर बैठे हुए हैं, जो अंदर पाकिस्तान नवाज हैं, जो पाकिस्तान का रोल अदा करने का प्रयास करना चाहते हैं, तब तक इस बात की समाप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ ये जो 3 घटनाएँ, 5 किलो आरडीएस अगर शहर के अंदर आ जाती, तूफान आता। धन्यवाद है उन पुलिस वालों का जिन्होंने इसको पकड़ा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये घटना जो खास करके ड्रोन वाली घटना है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि उस ड्रोन से बम गिराए गए। आगे हथियार नीचे फेंके जाते थे, अब ड्रोन का प्रयोग बम गिराने के अंदर हो रहा है। इसलिए हमको भी एक अच्छी तकनीक के विषय के अंदर विचार करना होगा और इसका हल निकाल करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। और ये जो श्रीनगर के नेता पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, इनको पहले पकड़ करके भी तिहाड़ जेल। पाकिस्तान हाय हाय 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 पाकिस्तान।